वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 8 ऑफ चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट कोई नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन में साफ साफ लिखे हैं किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अंडरस्टैंड नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम 381, एलसीएम तो आपको पता ही होगा। नाउ 333, इनका तो पेयर बन गया, इनका पेयर नहीं बना, तीन का पेयर, दो का नहीं, तो इसको किस छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बन जाए। इसमें इसको पेयर कंप्लीट करने के लिए तीन की कमी है, तो 243 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो उसने नंबर ही पूछा था, तो दैट इज योर आंसर। नाउ टेक अनदर एग्जांपल 256। फर्स्ट टेक एलसीएम 256, जिसको नहीं आती वो एक एक नंबर के साथ डिवाइड करके देखे। अंडरस्टैंड नाउ 256 को कैसे लिख सकता हूँ, इसका पेयर बन गया तीन का, इसका पेयर बन गया तीन का, इन दो का पेयर नहीं बना, तो 256 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 256 इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट टू क्वेश्चन इज फॉर यू, फाइंड विच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दीज टू गेट परफेक्ट क्यूब। थैंक यू।